श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, विट्ठल विपुल बिहारिंदास, जय जय श्यामा जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन नाम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी बोल बांके बिहारी जय, बरसाने वाली राधा रानी की जय, स्वामी जी महाराज की जय। तो आरती आ चुकी है बिहारी जी महाराज की और अब बस आरती का इंतजार, और ये आरती के लिए यहाँ माला भी अर्पण हो गई है। तो बिहारी जी महाराज की ऐसी ऐसी मनोकंपा बरसती रहे भक्तों पर, ठाकुर जी महाराज की आरती के लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे और आरती आ चुकी है और अब आप हम लोग मिलकर करेंगे बिहारी जी की मंगल आरती का मंगल नजारा देखेंगे। मोर मुकट कटका छिनी कर मुरली और माल, ये बानिक मेरो मन बसो सदा बिहारी लाल। पाग बन्यो पटुका बन्यो बन्यो लाल को बेस, और जय 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 श्री कुंज बिहारी लाल की तौरियार तिलेश। कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास, विट्ठल विपुल बिहारिंदास, जय जय श्यामा जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम। कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास। श्री आरती की जय, श्री नवनागर की, श्री आरती की जय, श्री नवनागर की, अंजन नैन बैन रस माते, अंजन नैन बैन रस माते, श्री रूप सुधा सागर की, श्री आरती की जय, श्री नवनागर की, पान खात मुस्कात मनोहर, पान खात मुस्कात मनोहर, श्री मुकुश कुमाऊ जागर की, श्री रसिक सखीदम पति आरती सोहे, श्री रसिक सखीदम पति आरती सोहे, श्री नैन सैनन उजागर की, श्री आरती की जय, श्री नवनागर की, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, मैं आरती गाऊं मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, मैं देख युगल छवि बलिहारी जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो, मैं देख युगल छवि बलिहारी जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी मजा आ गया। जब आरती के छींटे आपके अंदर जाते हैं, आपके तन पर, आपके मन पर, आपकी आत्मा पर, तो आनंद आ जाता है। और यही सेम आनंद यहाँ पर
भक्त लोग ले रहे हैं और इसी आनंद से करेंगे परमानंद की प्राप्ति। जय हो मेरे बांके बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री अरे दास दुलारी। सारी जय हो मेरे बांके बिहारी। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि कल एक बहुत ही स्पेशल लाइव सेशन है जिसका टाइम हम रख रहे हैं 4:45 अराउंड, यानी 4:45 के अराउंड पे आएंगे। बांके बिहारी जी के चरण पादुका पूजन पूरा मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार करेगा, उसमें हम लोग शामिल होंगे। बिहारी जी के सिंहासन पर पुष्प बंगले पर विराजमान ठाकुर जी होंगे, उससे पहले हम लोग ले लो जी आरती ले लो सब जने। कुंज बिहारी लाल तेरी सदाई जय हो, तो वो पूजन में कल शामिल हो जाइएगा। जैसे अभी विनय पचासा में शामिल होना है, फिर उसके बाद हम लोग कल करेंगे पूजन, तो उस पूजन का आनंद लेना मत भूलना, जरूर आना। मंगल कामना आपकी मनोकामना के लिए, मंगल मनोकामना के लिए वो पूजन है। कुंज बिहारी लाल तेरी सदाई जय। बाकी चितवन कटिल चक पाके चरण स्वामी श्री हरिदास के, मेरे बाके बिहारी लाल ते है शरण तिहारी, स्वामी श्री हरिदास के प्यारे भक्त जनन के नित रखवारे, श्याम स्वरूप मधुर मुस्काते बड़े बड़े नैनन बरसाते, पट का पाग पीतांबर शोभा। देखो बांके बिहारी जी की एक सखी कैसे ठाकुर जी को लाड़ लड़ाती है अपने साथ टोकरी में लेकर घूमती है, वो पाके की मीराबाई बन गई। सुटे पारे सुंदर छाती मोर पंख की लटक निराले, कानन कुंडल गुंगराले, नथे गुलाक पैमान बारिति मंद हसन लागे अति प्यारी, तिरछी ग्रीव कंठ मणि माला और पे गुंजा हार रसाला, ए सांझ सुंदर पटिका गोटा किरण मोतिन के लटका, भुज में पहिर अंग रखा छीनो कटे पाछनी अंग ढक लीनो, कमर बंद की लटकन न्यारी चरण छुपाए श्री बांके बिहारी, एकलाई पीछे से आई दूनी शोभा दाए बढ़ाए, गादी सेवा पास विराजे श्री हरिदास छवि अतिराज, घंटे बाजे बजत न आगे झांकी पर्दा पुन पुन लागे, सोने चांदी के सिंहासन छत्र लगिन मोतिन की लटकन, बाके तिरछे सुगर पुजारे तिनके ओ छवि लागे प्यारे, अतर फुलेल लगाए से आवे गुलाब जल के सर बरसावे, दूध बात ए पंचमी आई सो बिहार पंचमी कहाई, आए बिहार पंचमी जब से
आनंद उत्सव होबे तब से बसंत पाजे साज बसंती गुलाल पोशाक बसंती होली उत्सव रंग बरसावे उड़त गुलाल कुमकुम लावे फूल डोल बैठे पिय प्यारी कुंज बिहारिन कुंज बिहारी युगल स्वरूप एक मूरत में लख बिहारी की सूरत में श्याम स्वरूप मेरे पाके बिहारी अंग चमक श्री राधा प्यारी डोल एकादशी डोल सजावे फूल फूल छवि चमकावे आखे तेज पे चरण दिखावे दूर दूर से प्रेमी आवे बर मिन बर फूलन के बंगेला पटका हार फूलन के जंगेला शीतल भोग फुआरे चलते उठा के पंखा नित झलते हरियाली ती जन को झूला बरचिनो प्रेमी मन फूला जन्म अष्टमी की मंगला आरती सखी मुदित निज तन मन वारती नंद महोत्सव भीड़ अटूट सवा प्रहर कंचन के लूट प्रसाद पिता छठ उत्सव सुखकारी राधा अष्टमी की चाब सवारी शरद चांदनी मुकुट धरावे मुरली धर के दर्शन पावे दीप दीवारी अटरी दर्शन निरखत सुख पावे प्रेमी मन मंदिर होते उत्सव नित नित जीवन सफल करे प्रेमी चित जो कोई तुम्हें प्रेम सो ध्यावे अनवांछित फल पाव नायक मैं हूँ दीन सुनो सुखदायक मैं आयो तेरे द्वार भिखारी कृपा करो श्री बाके बिहारी दीन दुखी के संकट हरते भक्तन पे अनुकंपा करते मैं हूँ सेवक नाथ तिहारो बालक के अपराध निसारो मोको जग संकट ने घेरो इन कौन अरे दुख मेरो विपदा से प्रभु आप बचाओ कृपा करो मोको अपनाओ मैं अज्ञान मंद मति बारी दया करो श्री बांके बिहारी विनय पचासा नित्य पढ़े पावे निज आसा पढ़े भाव सौ नित्य प्रति गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे अन परिवार बड़े व्यापारा सहज होए बब सागर पारा कलयुग के ठाकुर रंग राते दूर दूर से प्रेमी आते दर्शन कर निज हृदय से हाते अष्ट सिद्धि नव निधि सुख पाते मेरे सब दुख हरो दयाला
दूर करो माया जंजाला, दया करो मुझको अपनाओ, कृपा बिंदु मन में बरसाओ, ऐसो कर मन देखियो निरखू श्यामा श्याम, प्रेम बिंदु जगते द्रगे श्री वृंदावन विश्राम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बरसाने वाली राधा रानी की जय हो, स्वामी जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरे बांके बिहारी जय हो तिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। तो यहाँ पर विनय पचासा का आनंद हमने लिया। धीरे धीरे अब भक्त प्रस्थान करेंगे निकास द्वार से बाहर की ओर, लेकिन हम लोग निकास द्वार से हम बाहर नहीं जा रहे हैं, हम तो बल्कि अंदर जा रहे हैं बांके बिहारी जी के पास माथा टेकने के लिए। लेकिन तब तक अभी बिहारी जी के, क्योंकि गर्भगृह में नहीं गए हमारे बांके बिहारी, तब तक उनके श्रृंगार के दर्शन कर लेते हैं। जो आज का श्रृंगार बिहारी जी ने धारण किया, दया करो श्री बांके बिहारी, ये है बांके बिहारी जी का मुकुट पारा। और ये देखो धीरे धीरे सारा श्रृंगार आता जा रहा है। जय हो मेरे बांके बिहारी, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। ये देखिए जी फूलों की पोशाक, वो फूलों का श्रृंगार, ये फूलों की पोशाक, जैसे भजन है, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है ऋषवान की दुलारी। ये देखो जी ये आहा, ये बिहारी जी के कैरी, ये मोरपंख, ये भी कैरी, और ये कलंगी कितनी सुंदर है। मेरी तो ये हो गई दो, ये भैया दो तो ले लिया मैंने। चलो जी ये सभी बिहारी जी की हैं जी, तो इनके दर्शन कर तो रहे हो, लेकिन इनको प्रणाम करना भी बनता है, क्योंकि इनको प्रणाम करेंगे तभी तो आपकी जितनी हर तरीके से हमें तो बिहारी जी के भक्ति करनी है, दीवाने बनना है बांके का, तो हाजिरी लगानी है। तो यहाँ हाजिरी लगाएंगे श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री चरणों पे तो हाजिरी हमने आज जब दर्शन खुले थे तब लगाई थी, लेकिन अब हम एक मिनट बस, अब हम हाजिरी लगा रहे हैं उनके मस्तिष्क पे, जो धारण थी श्री चरण पे हाजिरी लग गई, मस्तिष्क पे लग गई, तो और क्या चाहिए। बांके की कृपा है, चरणों से भक्त बनाता है और मस्तिष्क पे आके दीवाना बना देता है। और एक और है ये उनकी, यहाँ अरू लेके आते हैं, ये देखो एक बहुत बड़ा ये भी धारण था ठाकुर जी के, आज जिन्होंने भक्तों ने दर्शन किए होंगे तो उन्होंने इसके भी दर्शन किए होंगे, तो ये सभी श्रृंगार ठाकुर जी के मस्तिष्क पे धारण था। ये बीच में थी, ये बिहारी जी के राइट साइड था, ये भी, तो कितने सुंदर ये इनके दर्शन आप लोग कर रहे हो। श्री कुंज बिहारी श्री अरदास, तो देखिए बांके बिहारी जी के आज के श्रृंगार के दर्शन अद्भुत, जितने हैं जिसमें आपको ये बिहारी जी की कैरी मोर पंखी नजर आएगी, यहाँ पर ठाकुर जी की ये भी कैरी और कलंगी नजर आ रही है बहुत सुंदर। तो देखो जी क्या कॉम्बिनेशन बिहारी जी बनाते हैं, ब्लू येलो का कॉम्बिनेशन यहाँ ठाकुर जी ने आज बनाया है, और ये अपने मस्तिष्क पर धारण किया था जिसके दर्शन आप लोग कर रहे हैं। और यहाँ से बिहारी जी के पुष्प बंगले के दर्शन भी हो रहे हैं, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो ये आनंद और कहीं नहीं मिलेगा, ये आनंद सिर्फ बांके के दरबार में मिलेगा। कितने सुंदर तरीके से भक्त इसको बनाते हैं और तब इसको धारण कराते हैं। जय हो मेरे बांके बिहारी। भाई देखिए मेरा तो एक ही मकसद है, मुझे आप लोगों को बिहारी जी का दीवाना बनाना है। मैं खुद भी बन रहा हूँ, भी और बन रहा है, ये सीमा, इसकी कोई सीमा नहीं है, समुद्र की तरह ये विशाल है। जितना आगे जाएंगे उतना हमें दिखता नजर आएगा, ठाकुर जी पहले भी थे अब भी हैं और हमेशा रहेंगे, हमें उनका दीवाना जितने लेवल पे, हाँ ये दो हैं, जितने लेवल पे बनना है उतने और ज़्यादा जाना है, हमें नई नई चीज़ें सीखनी है। जैसे कहते हैं कि लाइफ में हमेशा स्टूडेंट बन के रहना चाहिए, ताकि शिक्षा जो है कब कहाँ कैसे आपको किस रूप में कौन शिक्षा दे जाए कुछ भी नहीं पता, नोबडी नोज़।
तो हमें ठाकुर जी के ऐसे ही वो अपना श्रृंगार का वो ले ले कलंगी वगैरह उठा लो, दो मेरी है वो ब्लू वाली मैं ले जा रहा हूँ और एक दो है ना ये रखी है वो मेरी दो, ये रही दो है ये, हाँ बस बस ये मैं ले रहा हूँ, वो ले जा बड़ी वाली येलो कलर की। तो बिहारी जी महाराज की ऐसी ऐसी मनुकंपा बरसती रहे, मैं भी श्रृंगार की चीज़ें बिहारी जी के ले जाता हूँ। देखिए यही तो प्रसादी चीज़ें जिनको कभी भी मन से लगाकर, जिनसे कभी भी आप अपने भाव प्रकट कर सकते हैं, कभी भी चाहे रात में 12 बज रहे हो चाहे दिन के सुबह के 6 बज रहे हो। अंकित भैया को वहाँ पर दे दी मैंने अंदर ले गया, कोई सीमा नहीं होती समय की, जब आपका मन करे जब आप उस श्रृंगार को अपने मस्तिष्क पर लगाकर आप अपने विचार प्रकट कर सकते। लेकिन जब भी आप श्रृंगार को लगाएंगे आप फ्रेश होने चाहिए, आप नहा धोकर ही लगाइए, ऐसे नहीं कि किसी भी मुंह से लगा लिया। चाहे रात को 12 बजे भी लगाना है ना तो रात को 12 बजे भी नहा लेना, कुछ नहीं होता जी इन सब चीज़ों के लिए, तो बहुत छोटी बात है। ये बिहारी जी की प्रसादी चीज़ें हैं, ये बिहारी जी की कृपा है जो भक्तों पर किसी ना किसी रूप में मिलती है, और कैसे ना कैसे ठाकुर जी अपनी असीम अनुकंपा बरसाते हैं। तो यहाँ पर अब हम दर्शन करेंगे ठाकुर जी के सिंहासन के, लेकिन अभी पहले यहाँ पर हम देखेंगे ओहो ये बिहारी जी का पुष्प बंगला, और यहाँ पर अभी ठाकुर जी महाराज हमारे विराजमान थे। जय हो जय हो जय हो, यहीं पर विराजमान थे मेरे प्रभु, मेरे बांके बिहारी। मतलब जहाँ पर आने के बाद तो कुछ भी नहीं नज़र आता, बस कभी कभी आदमी हम खुद इतना इमोशनल हो जाते हैं कि क्या कहें। तो यहाँ पर प्रणाम भी ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, यहाँ पर प्रणाम करने के लिए खुद को भी साफ करना जरूरी है कि ठाकुर जी की इस पवित्र प्योर प्रसादी चादर पे भी हमारे पसीने ना लगे। तो यहाँ पर प्रणाम करेंगे, हरी श्री हरदास, मतलब कुछ भी बोलो क्या बोले, छोटी छोटी चीजें भी समझ नहीं आती, शब्द नहीं मिलते हैं जब यहाँ तक आने। वैसे हमारे पास कितने सारे शब्द होते हैं ना बोलने के लिए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये देखो आज ब्लू कलर का, ये भी आप लोगों ने दर्शन किया था, मेरे बांके बिहारी की बंधन मान भी ठाकुर जी के यहाँ पर लगी हुई थी, ये दोनों रख ले मेरे हैं। यहाँ प्रणाम कर लीजिए और अपनी अपनी मनोकामना फिर से बोल लो, चरणों पर तो रखा ही था, और कैसे फोन को चरणों पर रखा था मैं आपको क्लियर करता हूँ। जब यहाँ से बिहारी जी विराजमान थे तो यहाँ पर हमने कुछ पुष्प थे, जैसे इसको ले लेते हैं, यहाँ से फोन को बिहारी जी के चरणों पर लगा के इस तरीके से रखा जाता है और फिर यहीं से वापस ले लिया जाता है। तो ये चीज़ हमने करी थी और बिहारी जी की कृपा आप लोगों पर बरसती रहे। तो जय बिहारी जी की, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास, इसको शेयर करते रहना ताकि बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा बरसती रहे। बिहारी जी के पुष्प बंगले के दर्शन आप लोग कर रहे हैं, यहाँ बिहारी जी के फूल बंगले के दर्शन तो कर ही रहे हम, और उसके साथ साथ उनकी चादर के भी दर्शन है जिस पर ठाकुर जी विराजमान थे। तो उसको शेयर करते रहिए ताकि और भी लोग आपके माध्यम से करें, वो कृपा भी चाहिए हमें, हर तरह की कृपा चाहिए। जैसे हमारे हाथ की 5 उंगली होती हैं, मौसम होते हैं सुबह दोपहर शाम रात, तो हमें हर मौसम में जीना होता है, ऐसी हर तरह की कृपा चाहिए। श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास।